नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि फाइनली हम लोगों ने अपने कट ऑफ सीरीज पे दो वीडियोज बना दी हैं, यानी बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस का, जिसमें अभी अफिलेटेड बाकी है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉमेंट आ रहा था कि सर कम नंबर पे किस में एडमिशन मिलता है, तो ठीक है, ये जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया स्लाइड, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना आप लोग। अब यहाँ पे देखो कम मार्क्स पर एडमिशन कहाँ होता है, यानी देखो बीएचयू जो है ना उसको बोलते हैं एफएमसी, यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। अब ये चीज क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। जब आप लोग बीएचयू देखते हो, जो बड़ा वाला गेट होता है वो एक्चुअली बीएचयू है, लेकिन उस बीएचयू के बावजूद भी बीएचयू के कई सारे एफिलेटेड कॉलेज है, जैसे डीयू है, तो डीयू के तो सुनने में आता है 50 से ज्यादा एफिलेटेड कॉलेज है, लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं है। बीएचयू में 5 ही ऐसे कॉलेज है जो इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो कॉलेजेज में सबसे पहला है जो बीएचयू के कैंपस के अंदर ही आता है और ये लड़कियों के लिए बस है, वो है एमएमबी, महिला महाविद्यालय। यहाँ पे कम नंबर में एडमिशन हो जाता है, यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, जो मैंने कट ऑफ बताया था 70 क्वेश्चन वाला, उसके कम में जाओगे तो एमएमबी आपको मिलेगा। उसके बाद आरजीएससी है, लेकिन आरजीएससी में ये डिपेंड करता है कि जिस कोर्स की आप बात कर रहे हो वो है कि नहीं है। जैसे मैं बीए की बात करूं तो यहाँ पे तो बीए है यानी महिला महाविद्यालय में, लेकिन आरजीएससी में बीए कोर्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको बस पार्टिकुलर उस एफिलेटेड कॉलेज में ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अब विवॉक था, तो विवॉक जो है वो अभी तक मेन कैंपस में भी नहीं था, बस आरजीएससी में रन करता था, लेकिन अब मेन कैंपस में भी हो गया है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसका भी कटअप बनाऊंगा। डीएवी, ठीक है, ये जो डीएवी है इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, और ये बनारस के मेन सिटी में आता है। मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा कि डीएवी में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। फिर बीसीडब्ल्यू और वीकेएम, ये दोनों कॉलेज जो हैं बस गर्ल्स के लिए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि लड़कियों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी का ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे एक एएमपीजी है जो कि बस लड़कियों के लिए, यानी मेन कैंपस छोड़ देने के बाद बस डीएवी है जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों साथ में हैं, अदरवाइज किसी कॉलेज में नहीं है जिसमें लड़के भी पढ़ सकते हैं। और ध्यान देना है कि एमएमबी में भी बीए चलता है, डीएवी में भी चलता है, बीसीडब्ल्यू बीकेएम में भी बीए चलता है, और आपके एएमपीजी में भी बीए चलता है। यानी लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर में लगभग 200 प्लस सीटें, लगभग 200 प्लस सीटें हैं बीए में, तो आप जोड़ लो कि आपके पास अभी सीटें बहुत ज़्यादा हैं और आप एडमिशन ले सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फाइनली कम मार्क्स पर एडमिशन कहाँ होता है, तो इन कॉलेजेस में होता है। अब इन कॉलेजेस का कट ऑफ अगर आपको जानना है कि सर कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, तो आप कॉमेंट कर दीजिए। तो अगर कॉमेंट ज़्यादा रहेगा तो मैं इन सबको एक एक उठा उठा के एक ही वीडियो में मैं सबका लिख दूंगा कि आपको इतने मार्क्स पर ये कॉलेज मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। और बाकी कमिंग वीडियोज में बहुत सारे कोर्स के कट ऑफ अभी आ रहे हैं, देखो ये सब वीडियो जा चुके हैं, आप लोग इसको जरूर देख लेना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टारगेट 100 के चल रहा है, तो हर कोई इस 100 के का परिवार का हिस्सा बने और बीएचयू में एडमिशन ले, और फिर जरूर मुलाकात करें और मुस्कुराए, ठीक है। हर हर महादेव, जैसे कृष्ण राधे राधे। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। बाय बाय।